सबको जय मसीह की, परमेश्वर की कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह की देखो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं जय मसीह कहती हूँ। और सच में हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमारी कमज़ोरी में हमारा बल है, वो हमारे दिलों की बातों को जानते हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें बल देते हैं, हमें शक्ति देते हैं। वचन कहता है जिसने भी परमेश्वर की ओर ताका उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। और सच में मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमेशा हाजिर हैं अपने लोगों की मदद और सहायता करने के लिए। और जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु हमें बहुत बातों को सिखाते हैं। और एक तरीका है उनका सिखाने का, और वो है अपने वचनों के द्वारा। कई बार हम लोगों से सुनते हैं कि बस अब हमें सब कुछ पता है और हमें अब सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि हम जब लगातार सीखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में उन्नति देखते हैं। जब हम सेक्युलर वर्ल्ड में देखते हैं, लोग वहाँ पर भी लगातार अपने स्किल्स को शार्प करते हैं और नई नई बातों को सीखते हैं। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम ये नहीं कह सकते कि अब हमें परमेश्वर का वचन एक यहाँ तक, अब हमें सब कुछ पता है। लेकिन हमेशा हमारे अंदर दिल में चाह रहनी चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, और उसको केवल सीखें नहीं लेकिन अपनी ज़िंदगियों में उसको लागू करें और हमारी ज़िंदगियाँ मसीह का चलता फिरता उदाहरण हो। बाइबल में हम कई घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, कई लोगों की जिंदगियों के बारे में पढ़ते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कैसे उन लोगों ने अपनी जिंदगियों से परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को प्लीज किया, परमेश्वर को उनकी जिंदगियां भाई। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनकी जिंदगियों के द्वारा उनकी महिमा हो सके। यीशु मसीह ने कहा तुम इस जगत का नमक हो, यीशु मसीह ने कहा तुम इस जगत की ज्योति हो। और अगर हम ज्योति हैं तो हमारी जिंदगियों से परमेश्वर की वो ज्योति जाहिर होनी चाहिए। एक बहुत खूबसूरत वचन है, इसका हवाला है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में और उसकी 15 और 16 आयत में, बुक ऑफ मैथ्यू, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5:15 और 16 में आपके बीच में पढ़ूंगी। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 14 आयत से मैं पढ़ूंगी, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए कहते हैं कि तुम इस जगत की ज्योति हो, तुम इस जगत का नमक हो, और तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने इस प्रकार चमके कि जब लोग तुम्हारे भले कामों को देखें तो जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, लोग उस पिता की, उस परमेश्वर की बड़ाई करें। तो हमारी जिंदगियां प्रभु यीशु मसीह का चलता फिरता उदाहरण है। बाइबल में हम देखते हैं कई लोगों की जिंदगियों से उन्होंने परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के सामर्थ को अपनी जिंदगियों से जाहिर किया, लेकिन कुछ लोग इस चीज में चूक गए और उन्होंने अपनी जिंदगियों में हार को देखा, उन्होंने अपनी जिंदगियों में नाश को देखा। एक इसी प्रकार की घटना के बारे में हम पढ़ते हैं 2 सैमुएल उसके 6वें अध्याय में, और यहां पर हम देखते हैं जब दाऊद राजा बना यहूदा का और इसराइल का राजा बना। अब दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय को जानता था, जो परमेश्वर के हृदय की बातों को समझता था, और परमेश्वर ने भी दाऊद के लिए गवाही दी। और दाऊद एक आराधक था, एक आराधना करने वाला था, परमेश्वर की बातों को समझने वाला था, उसका दिल परमेश्वर की चीजों के लिए धड़कता था। और जब वो राजा बना, उसको उसके मन में ये आया कि जो वाचा का संदूक है, जो फिलिस्तीनी अब ले गए थे, और अब वो जो वाचा का संदूक था कई सालों से अबीनादाब के घर में रखा हुआ था, और अब दाऊद को ये लगा कि हमें उस वाचा के संदूक को फिर से यरूशलम में लाना चाहिए, क्योंकि इसराइलियों के लिए जो वाचा का संदूक था वो बहुत महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता था, क्योंकि ये वो संदूक था जिसे बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा। और जब इसराइली लोग वीराने में, विल्डरनेस में 40 साल तक इधर उधर भटकते रहे, घूमते रहे,
और उस जगह की तलाश में रहे जहां का वायदा परमेश्वर ने उनसे किया था। वाचा का संदूक उनके साथ था और इसमें से होकर परमेश्वर अपने लोगों से बात किया करते थे। परमेश्वर की हुजूरी का ये एक चिन्ह था और इसमें परमेश्वर की हुजूरी थी, गॉड की प्रेजेंस थी। तो अब दाऊद को लगा कि मुझे वाचा का संदूक फिर से यरूशलम में लाके उसको सही तरीके से स्थापित करना चाहिए। और अब हम इन वचनों में पढ़ते हैं किस तरीके से दाऊद ने अपने लोगों को इकट्ठा किया, सेना के लोगों को इकट्ठा किया, अपने चीफ ऑफिशियल्स को, अपने अधिकारियों को इकट्ठा किया और सारंगी बजाने वाले, वीणा बजाने वाले, हर तरीके के साज बजाने वाले आराधकों को उसने इकट्ठा किया और अब वो लेकर चला है इस वाचा के संदूक को अबीनादाब के घर से लाने के लिए। लेकिन मैं यहां पर रुकूंगी और यहां पर मैं एक आयत आपके साथ पढ़ूंगी जिसका विवरण है दूसरा सैमुअल उसका छठा अध्याय में, सेकंड सैमुअल और उसके 6 चैप्टर में इसके बारे में है। तो यहां पर लिखा है दाऊद और इज़राइल के सब कुलों के लोग प्रभु के सम्मुख वीणा, सारंगी, डफ, डमरू और झाज की ताल पर पूरे उत्साह से नाच गा रहे थे। जब वे नाकोम नामक किसान के खलियान पर पहुंचे तब बैलों को ठोकर लगी, अतः उज्जा ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को अपना हाथ बढ़ाकर पकड़ना चाहा। उज्जा के प्रति प्रभु का क्रोध भड़क उठा। परमेश्वर ने उसकी इस असावधानी, याद रखें असावधानी के कारण, वही उस पर प्रहार किया और वह परमेश्वर की वाचा के संदूक के पास ही मर गया। तो हम यहां पर देखते हैं लोग वीणा बजा रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं, हर्षोल्लास का एक माहौल है, बड़ी खुशी की बात है क्योंकि यह वाचा का संदूक जो एक लंबे समय से यरूशलम में नहीं आया था, अब दाऊद के राज्य में उस वाचा के संदूक को फिर से लाकर स्थापित किया जा रहा है। लोग बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन इस एक्साइटमेंट के बीच में एक बड़ी दुखद घटना हुई। जो ऊजा था, ऊजा जैसे ही ये जो वाचा का संदूक था, अब इसको ये बैलगाड़ी पर ला रहे थे और जैसे ही बैलगाड़ी को ठोकर लगी, ये वाचा का संदूक गिरने पर ही था, ऊजा ने अपने हाथ को बढ़ाया और अब इस वाचा के संदूक को पकड़ने की कोशिश करी, संभालने की कोशिश करी। लेकिन वचन में हम देखते परमेश्वर का क्रोध, गुस्सा उस पर भड़का और वो वहीं पर ही मर गया। और इसे देखकर अब दाऊद भी दुखी है, दाऊद को गुस्सा भी आ रहा है, कई तरीके के एक्सप्रेशन हैं, अब लोगों में भी भय है। लोग तो अच्छा काम करने जा रहे थे, दाऊद तो अच्छा काम करने जा रहा था, लेकिन अब ये क्या हुआ? अरे वो तो परमेश्वर के वाचा के संदूक को फिर से इज़राइल में स्थापित यरूशलम में लेकर आ रहे थे, लेकिन ये बीच में एक दुखद घटना हो गई और यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम था ऊजा मारा गया। और एक सन्नाटा होगा, जब किसी की मौत होती है हम देखते हैं सन्नाटा छा जाता है, दुख की बात हो जाती है। और अब दाऊद सोच रहा है ऐसा क्यों हुआ? अरे परमेश्वर तो धीमे से क्रोध करते हैं, परमेश्वर तो प्यार दिखाने वाले हैं, दया दिखाने वाले हैं, लेकिन ये क्या हुआ जिसने परमेश्वर के क्रोध को भड़का दिया? वचन में लिखा है यहां पर असावधानी बढ़ती गई, यहां पर असावधानी की गई, कुछ बातों को नजरअंदाज किया गया। बेशक हर्षोल्लास का माहौल था, बेशक वीणा सारंगी और अलग अलग तरीके के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे, इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे थे, लोग एक्साइटेड थे, लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन एक चीज जो यहां पर नहीं की गई उसको हम आगे देखेंगे, जिसके कारण ऊजिया की जिंदगी में मौत आ गई। और यहां पर लिखा है दाऊद को क्रोध आया क्योंकि इस प्रकार, छठे अध्याय से बोल रही हूं, दाऊद को क्रोध आया क्योंकि प्रभु इस प्रकार ऊजा पर टूट पड़ा, इस कारण उस स्थान को आज भी पेरेस ऊजा कहा जाता है। उस दिन दाऊद प्रभु से डर गया, उसने कहा प्रभु के वाचा का संदूक मेरे पास कैसे आ सकता है? अतः उसने निश्चय किया कि अब प्रभु के वाचा का संदूक को दाऊद नगर में नहीं ले जाया जाएगा, वह उसको गत निवासी ओबेद एदोम के घर में ले गया। प्रभु के वाचा का संदूक गत नगर के निवासी ओबेद एदोम के घर में 3 महीने तक रहा। प्रभु ने ओबेद एदोम तथा उसके समस्त परिवार को आशीष दी। अब जब ये सब कुछ हुआ, ऊजा मारा गया, दाऊद डर गया और उसने सोचा कैसे अब ये वाचा के संदूक को मैं यरूशलम में ले जाऊं, ऐसा ना हो कि कुछ और लोग इसको छू दें या कुछ और लोग इसको रखने की जब कोशिश करें तो परमेश्वर का प्रकोप उन पर भी भड़के और वो लोग भी मौत के घाट उतारे जाएं, वो लोग भी मर जाएं, अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो उसने सोचा अब मैं इस वाचा के संदूक को ओबेद एदोम के घर में रखूंगा। और वचन में साफ साफ लिखा है 3 महीनों के लिए, करीब करीब 90 दिनों के लिए ये वाचा का संदूक ओबेद एदोम के घर में रखा गया।
और वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने ओबेद एदोम और उसके घराने को आशीष दी। देखो जब वचन में कुछ बातें लिखी गई हैं, हमें वहां पर रुक कर सोचने की जरूरत है ऐसा क्यों हुआ। उजा के बारे में जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 7 अध्याय, फर्स्ट शमूएल उसके 7 चैप्टर में, यहां पर पहली और दूसरी आयत में पढ़ूंगी। यहां पर लिखा है, तब किर्त्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर रखा था, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। अब यहां पर हम देखते हैं वाचा का संदूक अबीनादाब के घर में रखा गया, और दूसरी आयत में लिखा है किर्यातीम में रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इसराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। अबीनादाब के घर में 20 साल तक, करीब करीब 7300 दिनों तक ये वाचा का संदूक रहा जो परमेश्वर की हुजूरी को बताता था। उस समय पुराने नियम में परमेश्वर इसमें से होकर अपने लोगों, इजरायली लोगों से बात किया करते थे। अब यहां पर गौर करने की बात है, और यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगी आप गौर करें, अबीनादाब के घर में ये 20 साल तक रहा, करीब करीब 20 साल तक, और ऊजा अबीनादाब का बेटा था। लेकिन ओबेद एदोम के घर में ये वाचा का संदूक सिर्फ 3 महीने रहा, और वो भी इसलिए रहा क्योंकि अब ऊजा मारा गया। अब दाऊद को डर था कि कहीं इसके द्वारा और मौतें ना हो जाएं, तो उन्होंने कहा रे कहीं ना कहीं तो रखना है, रखो ओबेद एदोम के घर में। और वो एक लेवीय था और वो एक द्वारपाल था, ओबेद एदोम की अगर हम जिंदगी के बारे में देखते हैं। और जब ये 3 महीने ओबेद एदोम के घर में रखा गया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, लेकिन दूसरी तरफ ये वाचा का संदूक अबीनादाब जिसका बेटा ऊजा था जो मारा गया, इनके घर में 20 साल तक रखा गया। अब कहां पर गलती हुई, लेकिन यहां वचन में कहीं नहीं लिखा परमेश्वर ने अबीनादाब के घर को आशीष दी, लेकिन ओबेद एदोम जिसके घर में सिर्फ 3 महीने रहा उसको आशीष दी। यहां पर हमें गौर करने की जरूरत है क्या हुआ, 20 साल वाले को आशीष नहीं मिली है लेकिन 3 महीने वाले को आशीष मिल गई। रीजन क्या था, 20 साल रहने के बावजूद भी वो जो वाचा का संदूक था ओबेद एदोम अबीनादाब के घर में 20 साल रहा, जहां पर ऊजिया भी था, लेकिन 20 साल रहने के बावजूद भी ऊजा नहीं समझ पाया परमेश्वर को सम्मान कैसे देना है, वो नहीं समझ पाया परमेश्वर के वाचा के संदूक को कैसे लेकर जाना है। और इसके बारे में जब हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं, इसके बारे में हम गिनती की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी हैं, एक सटीक हिदायतें दी हैं कि जो वाचा का संदूक है वो लेवी लोगों के कंधों पर रखकर ले जाना है। 4 लेवी लोग उसको कंधे पर रखकर ले जाते थे। यहां पर हम देखते हैं ऊजा के घर में वो 20 साल तक रहा, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाया, उसने परमेश्वर को हल्के में लेना, अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, उसने परमेश्वर की हुजूरी को हल्के में लेना शुरू कर दिया। उसने कहा अरे 20 साल से वाचा का संदूक हमारे घर में है, कुछ भी नहीं हुआ, अरे हम तो इसके इर्द गिर्द ऐसे ही घूमते थे, हमें तो पता था ये वाचा का संदूक हमारे घर में है, हमने तो कुछ ऐसा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं देखा। और क्या हो गया, समय के साथ साथ, समय बीतते बीतते, अब परमेश्वर को जो आदर देना था, परमेश्वर की हुजूरी को जो रेवरेंस देना था, जो ऑनर देना था, अब उसमें कहीं ना कहीं हल्का बना गया। और अब 20 साल एक लंबा समय हो गया है, वो कह रहे हैं कि अरे परमेश्वर को हम जानते हैं, अरे वो तो हमारा है परमेश्वर। कई बार कई लोगों की जिंदगियों से ये रवैया देखने को मिलता है, जब कुछ साल प्रभु में हो जाते हैं, जब नए नए परमेश्वर में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, बड़े सगर्म होते हैं, मीटिंग्स में टाइम पर पहुंचेंगे, प्रभु को बड़ा आदर देंगे, उनकी जिंदगी परमेश्वर की गवाही होंगी, और लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ, और हम देखते हैं ऐसे लोग जब आरंभिक दिनों में परमेश्वर की आराधना करते हैं, बड़े ही भूख और प्यास के साथ, आंसुओं के साथ आराधना करते हैं, परमेश्वर की हुजूरी से बाहर निकलने का दिल नहीं करता है, वचन को ऐसे लगता है कि वचन को हम खा लें, अब हमें शारीरिक भोजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन परमेश्वर के वचन ही हमारी भूख और प्यास को तृप्त करता है। लेकिन कुछ समय के बाद एक वो भूख और प्यास खत्म होने लगती है। अब मीटिंग्स में जाना या वचन सुनना एक हल्की सी बात है, ठीक है हमने ये पहले भी सुना है। कई बार लोग कहते हैं अरे हमने तो ये पहले भी सुना है वचन,
हम तो जानते हैं। और इस तरीके से एक ढिलाई होना शुरू हो जाती है और धीरे 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 परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के में लिया जाता है। आराधना में वो जोश नहीं है, आराधना में वो दिल नहीं है, गीत भी गा रहे हैं लेकिन सिर्फ होठ ही हिल रहे हैं, उसमें दिल जुड़ा नहीं है, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए भूख और प्यास नहीं है, परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताने के लिए समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, बाकी कामों में व्यस्त हो गए हैं। और फिर कई बार लोग याद करते हैं, अरे हमारे पहले दिन बहुत अच्छे थे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो पहले दिन आज भी सेम हो सकते हैं। ऊर्जा ने अपनी जिंदगी में इस बात को हल्के में लेना शुरू कर दिया। जो आदर उसे रखना चाहिए था परमेश्वर के प्रति, उस आदर में कहीं ना कहीं कमी आ गई, हल्कापन उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में हल्कापन आ गया और ये उसकी मौत का कारण बना। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं, जब ओबेद-एदोम के घर में ये वाचा का संदूक रखा गया, सिर्फ 3 महीने ये वाचा का संदूक उसके घर में रहा और लोगों ने उसकी जिंदगी में आशीष देखी और लोगों ने जाकर दाऊद को बताया कि अरे परमेश्वर ने तो सिर्फ ओबेद-एदोम को ही आशीष नहीं दी लेकिन उसके घराने को भी आशीष दी है और उसके घराने में तो कोई मरा भी नहीं है, लेकिन देखो उसका घराना कैसे फ्लरिश हो रहा है। रीजन क्या था? ओबेद-एदोम ने परमेश्वर को आदर दिया। मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को आदर देते हैं, आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को काम करता हुआ देखेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं परमेश्वर आदर के भूखे हैं, हम उनको आदर देकर उनमें हम कुछ भी बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमेशा एक समान है, वो कभी भी नहीं बदलते हैं, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं। ये हमारी जिंदगियों के लिए अच्छा है, हम अपनी जिंदगियों में आशीष को देखते हैं, हम अपनी जिंदगियों में एक कामयाबी को, हम परमेश्वर के हाथ को काम करता हुआ देखते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है हम ये सीखें, हम परमेश्वर को आदर दें। और आदर सिर्फ हमारी जुबान से नहीं होता है। यशाया नबी की किताब में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है और प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि यशाया नबी की किताब में लिखा है, ये लोग सिर्फ होंठों से मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका दिल मेरे से बहुत दूर है। तो हमें ऐसे व्यक्ति नहीं होना सिर्फ होंठों से आदर कर रहे हैं लेकिन दिल परमेश्वर से बहुत दूर है, लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति होना है जो अपने मन से, जो अपने दिल से, जो अपने प्राणों से परमेश्वर को आदर देते हैं। और जब हमारा दिल से वो आदर निकलता है, वो हमारे कार्यों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे एक्शंस में वो देखने को मिलता है। हम कपटी नहीं हो सकते कि हमारे मन के अंदर कुछ और है और हम बाहर से कुछ और दिखाते हैं। हो सकता है लोगों से हम कुछ चीजों को छिपा लें, हो सकता है लोगों के सामने हम उस हिपोक्रेसी या कपटीपन को दिखा दें, लेकिन परमेश्वर से ये छिप नहीं सकता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे हृदय की गहरी बातों को जानता है, हम उनसे कुछ भी नहीं छिपा सकते, वो हमारी दिल की बातों को जानते हैं। परमेश्वर उजिया की इंटेंशन को समझते थे, उसके दिल की बातों को जानते थे, लेकिन और परमेश्वर ओबेद-एदोम के दिल की को भी समझते थे कि किस तरीके से वो व्यक्ति अपने दिल में परमेश्वर को आदर देना चाहता है। उसका दिल, उसकी हर एक धड़कन परमेश्वर की बातों के लिए धड़कती, किस प्रकार से वो व्यक्ति उनकी बातों के लिए भूखा है। मैं आपको कह दूं, अगर आप परमेश्वर के करीब आते हैं, अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं, वो आपके लिए कई कदमों को बढ़ाकर आपको अपने गले से लगाएंगे। सिर्फ एक कदम हमारा, परमेश्वर अपनी बाहें फैलाते हैं हमें अपनी बाहों में लेने के लिए, हमें अपने सीने से लगाने के लिए। वो हमसे इतना प्यार करते हैं, वो हमें अपने से दूर नहीं करना चाहते। परमेश्वर नहीं चाहते थे ऊजा मरे। कई लोग कहते हैं अरे परमेश्वर इतने खतरनाक हैं कि उन्होंने ऊजा को मार दिया, कहां परमेश्वर की दया है। मैं आपको कह दूं, परमेश्वर जब कुछ बातों को कहते हैं हमें उस पर गौर करने की जरूरत है। जब उन्होंने मूसा को कहा कि वाचा का संदूक इस तरीके से लेवी लोगों के कंधों पर, और जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाए, इस तरीके से करना चाहिए, तो इस बात को ध्यान नहीं दिया गया। यहां तक कि दाऊद ने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया, ऊजा ने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया और किसी का भी इस बात की ओर गौर नहीं किया। लेकिन जब ये घटना हुई, जब ऊजा मरा, तब दाऊद ने पूछा कि क्या लिखा है मूसा के कानून में परमेश्वर के इस वाचा के संदूक को, जो परमेश्वर की हुजूरी को, जो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था, इसको कैसे लाया जाए। उन्होंने फिर जब
पढ़ा कानून की किताबों में, तो उनको पता चला कि किस प्रकार से इसको लाया जाए। और सही तरीके से वो लोग फिर जब वाचा के संदूक को लाए तो उसको यरूशलम में स्थापित किया। तो हम यहां पर देखते हैं दो लोगों के रवैयों के बारे में। एक व्यक्ति वो जो कई सालों से परमेश्वर के साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब वो परमेश्वर को वो आदर नहीं दे रहा जो उसे देना चाहिए। लेकिन यहां पर हम देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके घर में कुछ ही समय के लिए वो वाचा का संदूक आया, लेकिन क्योंकि वो एक आराधक था, बाइबल में उसके बारे में जिक्र है। जब हम इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं, यहाँ पर ओबेद एदोम के बारे में जिक्र है, और आप भी उसकी ज़िंदगी के बारे में और पढ़ सकते हैं और उसको जान सकते हैं। वो एक आराधक करने वाला व्यक्ति था। जब दाऊद ने जब आराधना की टीम बनाई गई तो उसमें ओबेद एदोम भी एक व्यक्ति था जिसको चुना गया। ये द्वारपाल था, ये लेवियों के कुल में से था, और इस व्यक्ति का दिल था परमेश्वर को आदर देने का। जब आपका दिल है ना परमेश्वर को आदर देने का, आपके एक्शंस भी परमेश्वर को आदर देंगे। अब हमारा क्वेश्चन कई बार ये होता है, हम कैसे परमेश्वर को आदर दें? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम उसमें से कई बातों को सीखते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी बातों को सीखें। यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करूँगी कैसे हम परमेश्वर को आदर दे सकते हैं। देखो, जब एक बहुत बड़ा कोई अगर नेता आता है, या कोई एक बहुत बड़ा ऊंची उपाधि पर एक व्यक्ति हमारे घर में आता है, तो हम देखते हैं कि अगर आपके घर में मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊंची हाई पोस्ट पे है आपके घर में आता है, आप उसके साथ मनचाहा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, आप उठपटांग बातें नहीं बोल सकते हैं, आप जैसे चाहे फेस एक्सप्रेशन नहीं बना सकते हैं, आप जैसे चाहे उठ बैठ नहीं सकते हैं, आप जैसे चाहे मजाक नहीं कर सकते हैं। आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो एक बहुत ही एक बहुत ही रिस्पेक्टेड व्यक्ति है और हमें उसको आदर देना है। तो अगर हम दुनिया में रहते हुए दुनिया के लोगों के प्रति हम जब ये बात को समझते हैं, हम आदर देते हैं, तो जब परमेश्वर की बात आती है, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात आती है, क्यों बहुत लोग इसको हल्के में लेते हैं और जैसा चाहे वो अपनी मनमर्जी करते हैं, जैसा चाहे वो बोलते हैं, जैसा चाहे वो सोचते हैं। हम याद रखें, परमेश्वर सबसे ज्यादा आदर और महिमा के योग्य हैं। दुनिया में हम देखते हैं लोग एक दूसरे को आदर देते हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी है हम दुनिया के लोगों को भी आदर दें, लेकिन सबसे ज्यादा जो आदर होना चाहिए हमारी जिंदगियों में वो परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर हमें आदर देते हैं, परमेश्वर हमारे सिर को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर हमारे सिर को ऊंचा करते हैं, और हमारे परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपकी जिंदगियों में काम करें, उनको आदर देना सीखें। ये कैसे सीखते हैं आप? जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हम वहां से सीखते हैं, जब हम वचन में लोगों की जिंदगियों को देखते हैं हम वहां से सीखते हैं उन्होंने कैसे परमेश्वर को आदर दिया। ये बहुत एक कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें समझ ना आए, ये एक सिंपल ट्रुथ है। अगर मसीह की कलीसिया परमेश्वर के लोग इस बात को समझ जाएं, तो अपनी जिंदगी में वो बहुत विजय में चलते हैं, अपनी जिंदगी में वो आनंद में चलते हैं, अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे वो कलीसिया का क्षेत्र हो, चाहे आपके काम का क्षेत्र हो, चाहे आपका व्यक्तिगत क्षेत्र हो, आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के हाथ को देखते हैं। तो कुछ एरियाज हैं हम अपनी जिंदगी में जहां पे हम परमेश्वर को आदर देते हैं। सबसे पहली जो हम आदर देते हैं परमेश्वर को अपनी जिंदगियों से। अगर हम सिर्फ कहते रहें परमेश्वर का वचन, लेकिन हमारी जिंदगियां परमेश्वर के वचन को जाहिर नहीं करती हैं, तो हम झूठे हैं। दाऊद की जिंदगी में देखते हैं, उसने अपनी जिंदगी से परमेश्वर को आदर दिया, और लोगों ने, जो दाऊद के इर्द गिर्द जो लोग थे, उन्होंने भी ये देखा, अरे दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, दाऊद परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति है, दाऊद परमेश्वर की राहों में चलने वाला व्यक्ति है, दाऊद का दिल परमेश्वर के लिए धड़कता है। तो सबसे पहली चीज, हमारी जिंदगियां परमेश्वर को आदर देने वाली होनी चाहिए। दाऊद की जिंदगी से देखते हैं और वचन में हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया, परमेश्वर ने उसको विजय दी। उसने जो कुछ भी किया, उसने जो भी लड़ाइयां लड़ी, परमेश्वर ने उसको विजय दी। और विजय इसलिए नहीं थी क्योंकि दाऊद बहुत काबिलियत रखने वाला व्यक्ति था, क्योंकि जब हम नीति वचन पढ़ते हैं उसके 21 अध्याय में, वहां पर लिखा है
युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन विजय सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ही ओर से है। तो इसलिए दाऊद को इसलिए विजय नहीं मिली क्योंकि दाऊद एक बहुत बड़ा वॉरियर था। आज हम देखते हैं दुनिया में हम बहुत योद्धाओं के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, कुछ लड़ाइयां जीती भी, कुछ लड़ाइयां वो हारी भी, लेकिन दाऊद की जिंदगी में हम देखते हैं दाऊद ने जो भी लड़ाई लड़ी उसने उन लड़ाइयों को जीता, क्योंकि इसके पीछे दाऊद की अपनी काबिलियत नहीं थी, उसके पीछे परमेश्वर का हाथ था। हां, दाऊद के लिए जो जरूरी था उसने वो किया, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर का अलौकिक हाथ था जो उसकी जिंदगी में काम करता था, क्योंकि दाऊद का परमेश्वर के साथ वाचा थी। परमेश्वर दाऊद से प्यार करते थे, दाऊद अपनी जिंदगी से परमेश्वर को आदर देने वाला व्यक्ति था। हम परमेश्वर को आदर देते हैं अपनी जिंदगियों से, हम परमेश्वर को आदर देते हैं जब हम उनके वचनों के साथ कोई समझौता नहीं करते, जो परमेश्वर का वचन कहता है हम अपनी जिंदगियों में वो करते हैं। हम अपनी जिंदगियों को आदर देते हैं जब हम विश्वास में चलते हैं, हम अविश्वास में नहीं लेकिन विश्वास में चलते हैं। वचन में लिखा है विश्वास के बगैर परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। जब हम परमेश्वर पिता के सामने आते हैं हम जानते हैं कि वो जीवित है और वो हमारी पुकारों को सुनता है। अब्राहम की जिंदगी में हम देखते हैं, दाऊद की जिंदगी में हम देखते, इन लोगों ने विश्वास की जिंदगियां जी। जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं हम परमेश्वर को खुश करते हैं, हम परमेश्वर को आदर देते हैं। यीशु मसीह की जिंदगी में हम देखते हैं वो आज्ञाकारिता में बने रहे, बेशक वो परमेश्वर के पुत्र थे लेकिन उनकी जिंदगियों में आज्ञाकारिता को हम देखते हैं। जब हम सबमिशन में चलते हैं, अधीनता में चलते हैं, यीशु मसीह की जिंदगी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वो अधीनता में चले, उन्होंने वो कहा जो उन्होंने पिता से सुना, उन्होंने वो किया जो उन्होंने पिता को करते हुए देखा। उन्होंने कहा मैं अपनी इच्छा को पूरी करने नहीं आया हूं लेकिन मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूं। हालेलुया। जब हम एक बलिदान का जीवन जीते हैं हम परमेश्वर को अपनी जिंदगियों से आदर देते हैं। और आखिरी बात, जब हम हर एक परिस्थिति में भी परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, जैसे अय्यूब ने कहा, और परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसे गीतों के माध्यम से नहीं, गीत एक जरिया है, लेकिन अपनी जिंदगियों से हम परमेश्वर को आराधना देते हैं, वो समय है जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं। हालेलुया। हमें अपनी जिंदगियों से परमेश्वर को आदर देना है। हम आराधना के द्वारा परमेश्वर को आदर देते हैं, हम जो देखते हैं हम उसके द्वारा परमेश्वर को आदर देते हैं, हम जो सुनते हैं, हम क्या सुनते हैं, जब हम सही सुनते हैं हम परमेश्वर को आदर देते हैं, जब हम सही बोलते हैं हम अपनी जुबान से परमेश्वर को आदर देते हैं, जब हम सही देखते हैं, जब हम सही सोचते हैं हम परमेश्वर को आदर देते हैं। आज दुनिया एक ऐसे समय में जी रही है कि बहुत चीज़ें गड़बड़ होती जा रही हैं, गुनाह बहुत बढ़ गया है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी माध्यम के द्वारा हो, लेकिन हम इस समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी की कलीसिया, हमारे लिए समय है उठने का और अपनी जिंदगियों से परमेश्वर के स्वभाव को जाहिर करने का जिस स्वभाव में परमेश्वर पिता ने हमें बनाया है। और ये केवल तभी हो सकता है जब हम अपने कानों को पवित्र आत्मा की ओर लगाएं, हम अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाएं, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं, वचन को हम अपनी जिंदगियों में, अपने दिलों में एक खजाने की तरह छिपाएं, हम अपनी जिंदगियों में परमेश्वर के काम को होता हुआ देखेंगे। ये समय है अब हमें उठ खड़े होने का और परमेश्वर को वो आदर देने का जिसके योग्य वो है। और मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप प्रोत्साहित हुए होंगे और अब समय नहीं है हम अपनी जिंदगियों में जैसा चाहे जिए, लेकिन अब समय है हम अपने कानों को, अपनी आंखों को अपने पिता की ओर लगाएं, क्योंकि वो हमसे कहते हैं और हम उनसे सुनना चाहते हैं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके लोगों के लिए जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रभु, मेरी दुआ है जो आज का वचन बोला गया इनकी जिंदगियों में गहरा कार्य करे। प्रभु, आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं और होने दे हमारी जिंदगियों के द्वारा वो आदर वो महिमा जाहिर हो प्रभु जी, हमारी बातों के द्वारा जाहिर हो। और प्रभु, ये हमारे बल शक्ति से नहीं है लेकिन आपका आत्मा
हमारी मदद करता है, आपकी कलीसिया की मदद करता है, जो आपके वचनों में लिखा गया है हम उस पर चल सके और अपनी जिंदगियों में जयवंत होकर आगे बढ़ सके। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों को बल शक्ति दे, हर एक कमजोरी हर एक बीमारी को दूर करें, दुष्ट के काम को इनकी जिंदगियों से खत्म करें प्रभु। हालेलुया, पवित्र आत्मा की अग्नि से शैतान का काम यीशु मसीह के नाम से भस्म हो जाए। शैतान की युक्तियां नहीं लेकिन परमेश्वर पिता आपकी युक्तियां, आपका उद्देश्य, आपकी योजना आपकी कलीसिया की जिंदगी में पूरी होने पाए। धन्यवाद करती हूं इन सब बातों के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें।